रायबरेली में गर्मी की शुरुआत में ही जहां पारा 40 डिग्री पार कर गया, वहीं जिले की सड़कों में सन्नाटा फैलने के साथ अस्पताल में भी मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वस्थ महात्मा अलर्ट मोड पर दिखाई दे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिस तरह से गर्मी की शुरुआत का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, उससे ही हीट वेव का खतरा बढ़ गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि तकरीबन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर बहुत जरूरी है तो घर से बाहर निकले, ज़्यादा जरूरी ना हो तो घर पर ही रहे। अस्पताल में मरीजों के लिए कोल्ड वार्ड बनाए गए ताकि गर्मी से बीमार लोगों को इस तरह वार्ड में रखा जा सके। चल रहा है ना, क्या है इसको लेकर, क्या बचाव किया जा रहा है? हीट वेव का मौसम तो है और उससे बचने के लिए जन सामान्य को भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसके बारे में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके माध्यम से गांव-गांव में दस्तक अभियान चल रहा है, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कैसे हीट वेव से बचें। अस्पतालों में जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो हर सीसी पे अस्पतालों में एक कोल्ड रूम, कोल्ड वार्ड और कोल्ड पैक्स, इन सब की व्यवस्था करा दिया गया है। ORS कॉर्नर्स की व्यवस्था करा दिया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर्स और IC मटेरियल्स भी डिस्प्ले करने के लिए कह दिया गया है। सर, आम लोगों को इससे क्या सलाह है, मतलब कैसे बचा जाए? पहला तो यह है कि कोशिश करें कि 12 बजे से 4 बजे के बीच में ना मूवमेंट करें। दूसरी बात, फुल बाहें के काटन के कपड़े पहनें, गमछा, काला चश्मा, टोपी, इन सब का प्रयोग करें और चीनी नमक पानी का घोल या ORS, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करें। ताज़े फल, रसदार फल, इन सब का प्रयोग करें।